हेलो एवरीवन, मीनू कुमावत किचन एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्मोकी गवारफली। जी हाँ, गवारफली को क्लस्टर बीन्स भी बोलते हैं। ये दो तरह की होती है, एक तो देसी होती है, एक जो मार्केट में नॉर्मल मिलती है। देसी गवारफलियाँ राजस्थान में ज्यादा मिलती है। ये देखिए, ये इस तरह की होती है। ये मैंने ये देसी वाली गवारफलियाँ ली है, इसको मैंने आगे से और पीछे से इस तरह से कट करके और इसको बॉईल किया है। ये देखिए सॉफ्ट हो जाती है बॉईल करने के बाद में। मैंने आधा चम्मच नमक डाल के फिर इसको बॉईल किया है। ये बॉईल करने से सॉफ्ट हो जाती है। हमने बॉईल होने के बाद में इसका पूरा पानी हमने निकाल दिया है। अब हम इसके अंदर ये हमने लहसुन कूट के रखा है, ये क्रश ही किया है खाली। ये 10 से 15 गले लहसुन की थी, इसमें हम ये डाल देंगे, थोड़ा सा रख लेंगे बस। अभी बताती हूँ ये थोड़ा सा हम क्यों रख रहे हैं। ये हमने 1.5 चम्मच लाल मिर्च लिए, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट अनुसार ज्यादा कम ले सकते हैं। और ये हमने आधी चम्मच नमक लेंगे इसके अंदर, क्योंकि नमक हमने गवारफली में उबलते समय भी डाला था, इसलिए हम आधी चम्मच ही लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जब तक मिक्स हो रहा है, हमने एक कोयला जो था, लकड़ी का जो कोयला होता है, वो हमने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम वो लेके आते हैं। ये हमारा कोयला देखिए गर्म हो गया है, हमने इसको 5 मिनट गैस पर रखा था। ये देखिए इस तरह से वाइट दिखने लग जाएगा ये। अब हम इसको हटा देते हैं और गैस पे अपना घी गर्म कर लेते हैं। ये घी भी हमारा गर्म हो गया है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये कोयला अब हम इस पे गवारफली पे इस तरह से रख देंगे, इस तरह से। इसके ऊपर हम थोड़ा सा जीरा और जो लहसुन था जो मैंने बोला था थोड़ी देर रखना आप, वो लहसुन इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। और इसके ऊपर जो हमने घी गर्म किया था वो इसके ऊपर, ये देखिए इसी का फ्लेवर है पूरी गवारफली के अंदर। इसको तुरंत ढक देंगे, इसको हम 5 मिनट ढक के रखेंगे ताकि जो स्मोक का फ्लेवर है वो पूरी गवारफली में फैल जाए। अब हम ये प्लेट हटा देते हैं। पूरे घर के अंदर खुशबू हो गई है। ये जो लहसुन है वहां हटा देंगे धीरे से इस तरह से और कोयले को बाहर निकाल लेंगे। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी है इस सारी गवारफलियों पे इस तरह से लग जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए कितनी जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करिए। ये हम सर्विंग बाउल में इसको शिफ्ट कर लेंगे। रागी, ये आप ज्वार की रोटी है, रागी की रोटी है, बाजरे की रोटी, किसी भी रोटी के साथ में ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। ये फाइबर से भरपूर है गवारफली और टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। बच्चे यूं नहीं खाते हैं मेरे बच्चे, पर मैं ये स्मोकी गवारफली बनाती हूँ तो मेरे बच्चे आराम से खा लेते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।